हेलो दोस्तों, ये है सफ़ेद मूसली का पौधा जिसे हमने कहीं से लेके गमले में लगाया है। और ये इसमें पानी डालते रहिए आप तो ये ऐसा हरा हरा रहेगा, अगर पानी नहीं डालेंगे तो ये सूख जाएगा। इसे मैंने 6 महीने पहले लगाया था गमले में और ये छोटा सा था, ऐसा देखिए यहाँ पे भी है, तब ये छोटा सा था और अब ये पानी डाल दे ऐसा खिल गया है। और इस पर ये इधर से ये साइड से ये आने लगे हैं छोटे पौधे, देखिए आप। तो इसको आप यहाँ से निकाल के, ये सफ़ेद मूसली का पौधा है जो कि एक आयुर्वेदिक दवाई का काम भी करती है, इसकी जड़ का पाउडर बनाया जाता है और इसको दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ से इसमें छोटे पौधे आ रहे हैं, इसको आप यहाँ से तोड़ के और ऐसे इसकी जड़ को नीचे मिट्टी में दबा के, ये जड़ है इसकी, इसको ऐसा लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर निकाल के यहाँ पर लगाया है, देखिए, और इसमें पानी डालते रहिए तो ये हरा हरा होता रहेगा और इसमें नीचे जड़ आती रहेगी। तो इस तरीके से आप गमले में आयुर्वेदिक औषधियाँ उगा सकते हैं और उन्हें प्रयोग में ला सकते हैं। ये देखिए, इसमें ये देखिए हमने ब्राह्मणी को लगाया है और ये बिल्कुल इसमें पानी डालते रहे तो ये हरा रहेगा बिल्कुल। ब्राह्मी भी एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कि गर्मियों के लिए बहुत ठंडी होती है, इसका जूस बनाया जाता है और जूस के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनके पत्तों को पीस करके इसका जूस बनाया जाता है और ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है वो।